मुझे आप ये बताइए कि आप ये टुकड़े टुकड़े वाली जो बातें हैं ना, ये कोई इस वक्त सूट नहीं करती, खास करके कर्नाटक के इलेक्शन में ऐसा कोई कुछ नहीं हुआ। हाँ, जहाँ तक आपका ये ताल्लुक है बजरंग दल, और दूसरा उन्होंने एक बार, बजरंग दल डज नॉट मीन बजरंग बली, बजरंग दल इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज एब्सोल्युटली एक्सट्रीमिस्ट हिंदूज। तो उसको अगर अगर ये समझाने में ये लोग सक्सेसफुल हो गए कि बजरंग दल इज नॉट ए बजरंग बली, देन थिंग्स आर डिफरेंट। मैं जो मैंने भारत तेरे टुकड़े होंगे, मेरे कहने का मतलब कि कुछ इमोशनल मुद्दों पर देश का नागरिक किसी भी पार्टी के साथ खड़ी नहीं होती है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। वहां उन्होंने भारत तेरे टुकड़े होंगे, यहाँ ये बजरंग बली का विरोध, बजरंग दल का विरोध कर रहे हैं। आपने बजरंग दल का विरोध किया, लेकिन बैक ऑफ द माइंड एक हिंदू के ये चलेगा कि अरे भाई ये तो बहुत गलत इन्होंने किया है। अब आप कन्विंस करते रहिए और मैं भी देखूंगा इलेक्शन के बाद कि कांग्रेस और विपक्षी दल कितना कन्विंस कर पाए कि बजरंग दल और बजरंग बली दोनों की आइडियोलॉजी अलग अलग है। अगर कांग्रेस इस चीज को कन्विंस कर लेती है कि बजरंग दल अलग है और बजरंग बली अलग है, तो 2024 में कांग्रेस का चुनाव सरकार बन जाएगी। कांग्रेस ये प्रूव कर देगी कि राम अलग है और ये अलग है। यही राम सेतु पे हुआ था। दुनिया नहीं जानती है क्या कि राम सेतु और राम राम एक व्यक्तित्व थे, राम सेतु एक कुल था। कांग्रेस आज तक कन्विंस नहीं कर पाई कि राम सेतु राम से अलग है, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। तो चलिए, खैर है नहीं, इनफैक्ट 2024 में कांग्रेस के तो आने, नहीं 2024 में इनफैक्ट कांग्रेस का तो आने का ताल्लुक ही नहीं है, चाहे वो समझा भी लें चाहे ना समझा लें, क्योंकि 2024 में तो क्लियर है कि मोदी जो है वो मेजोरिटी, वो मतलब थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर, अकॉर्डिंग टू मी थर्ड टाइम वो प्राइम मिनिस्टर आएंगे, क्योंकि जो रूबी अपोजिशन का है तिरागत आप ही कर रहे हैं। वो इतनी डिवाइडेड है। नहीं,